हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदेद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे एक और। आपको आज मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मिनी टूल। मिनी टूल शायद हो सकता है सबको हर किसी को मालूम हो, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा टूल है, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर कुछ ड्राइव ऐसी होती हैं जिनकी हम जिसकी हम जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे पार्टीशंस को नहीं छेड़ सकते, लेकिन हम किसी भी थर्ड पार्टी टूल के ज़रिए उनको हम किसी भी तरह NTFS से FAT पे या FAT से NTFS पे कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी को भी पार्टीशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे हम आपका जैसे आपका सी अक्सर हम लोगों का फुल हो जाता है, लेकिन हमें उसमें से कहीं से स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए हमें लेकिन हम अगर डिस्क मैनेजमेंट से जाके करें डिस्क ngmt.msc, अगर हम डिस्क मैनेजमेंट से जाके करते हैं गाइस, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ही मेरा सी है तो मैं इसको अगर मैं इसमें से अगर जैसे मेरे डी है तो इसमें से मैं अगर कोई पार्टीशन लेना चाहूं, पार्टीशन अगर मैं लेना चाहूं तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे क्योंकि इसके लिए मेरे पास इसके लिए मेरे पास क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है विंडोज़ में कि दोबारा इसमें से कोई मैं एक्सटेंड देखें एक्सटेंड मैं नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक्सटेंड वॉल्यूम अगर मैं इसमें से समझें 10 GB का अगर शेयरिंग करूँ, अगर मैं 10 GB का 5 GB का शेयरिंग करूं तो मुझे करने में काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे पास देखें कुछ भी नहीं हो सकता, मिरर जो है एक्सटेंड नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं यही चीज़ मिनी टूल के ज़रिए करूं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो मैं आपको गाइस इस टूल के बारे में दिखाता हूं। इस टूल से भी हम इजीली तौर पे कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन। तो ये आप किसी भी इनकी अगर वेबसाइट से ले गए मिनी टूल विजार्ड फ्री में पर 9.0 वर्जन है, आप दूसरा कोई सा भी उठा सकते हैं। ये पार्टीशन विजार्ड है नहीं, तो ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है। इससे ये देखिए मेरे पास दो ड्राइव आ रही है, लेकिन मैं इसमें हर चीज़ कर सकता हूँ। इसकी अगर देखें मैं इधर से एक्सटेंड करूँ तो मेरे को डी पार्टीशन में से बोल रहा है कि आप 20 GB तक का स्पेस ले सकते। अगर मैं इसमें से 10 GB या समझ लें 5 GB करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इंक्रीज हो गया। अभी ये जो था ये कम था, ये आप देख सकते हैं ये 49 तक की जीबी तक का था। ओके 49 तक जीबी तक का था, तो अब ये देखिए 55 तक कर दिया क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड करा। और जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। ओके और ये देख सकते हैं इसमें प्राइमरी ये आ रही है। ओके तो इनको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ फैट पे तो मैं फैट पे भी कर सकता हूँ। ओके आप इनका चेंज पार्टीशन टाइप्स आईडी भी कर सकते हैं, सरफेस टाइप भी कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ इस सॉफ्टवेयर में रहते हुए बहुत कुछ इसके हार्ड ड्राइव पर कर सकते हैं। ओके गाइस आप बहुत कुछ इसमें से कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी कन्वर्ट कर सकते हैं NTFS से FAT पे या FAT से NTFS पे, और सेट पार्टीशन लोगो भी चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस तो ये टूल इस टूल से आप काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक और बार डिस्क मैनेजमेंट से। तो लेकिन इसमें हम एक्सटेंड वॉल्यूम नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी दूसरी वाली ड्रेस में दिखाऊं एक्सटेंड वॉल्यूम, तो इसमें देखिए मेरे पास बोलेगा कोई आपके पास डिस्क होना चाहिए, तो इस वक्त मेरे पास कोई डिस्क अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मैं इसका साइड कवर कर सकूँ। तो इसमें तो देखिए बिल्कुल ही मेरे पास एक्सटेंड वॉल्यूम शो ही नहीं कर रहा है कि कोई एक ऐसी ड्राइव है नहीं जो इसको ऐसी पार्टीशन का इंक्रीज़ कर सके। लेकिन मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने पार्टीशन को डी ड्राइव से मैं अगर थोड़ा सा स्पेस लेके अपने सी पार्टीशन को दे सकता हूँ। ओके
ओके गाइस, वो भी करंट वर्जन उस पर, करंट सिनेरियो पे। ये आप देख सकते हैं डी ड्राइव पे मेरा 182 है और यहाँ पे 49 है तो स्पेस है। तो अगर मैं मिनी टूल पे अपना देखिए, पहले ये 55 ली थी, आपको दोबारा से इसको अंडू करके दिखाऊं। तो अंडू करा मैंने, तो ये आप देख सकते हैं अंडू पे देख सकते हैं 49 था पहले और ये इसका 182 था। और लेकिन मैं करंट सिनेरियो पे अपनी रनिंग उसमें करूं तो इसको एक्सटेंड करूं तो ये कहते हैं कि मेरे डी पार्टीशन में से स्पेस लेगा। अच्छा, ये उसी ड्राइव में से लेगा जो ड्राइव का पार्टीशन होगी, मतलब जैसे एक ही हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है और आपकी उसकी दो पार्टीशन बनी, उसी में से स्पेस लेगा। ओके, वो दूसरी ड्राइव में से नहीं लेगा, दूसरी हार्ड डिस्क में से। ओके, तो इसको मैं 10 कर दूँगा, मैं 10 GB। तो देखिए अभी 49 है आपके सामने ये, तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखिए 60 स्पेस हो चुका है मेरा, मतलब कि ये कि मेरा स्पेस अब इंक्रीज हो चुका है। ओके ओके गाइस, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, फिर इसको आप अप्लाई करके इसको ओके कर सकते हैं। ओके, तो ये पार्टीशन हमारे हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। ओके ओके, और भी कुछ कर सकते हैं हम इसमें रहते हुए, इसके NTFS भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये आपको आसानी से किसी भी इनकी वेबसाइट है मिनी टूल्स के नाम से, विजार्ड के नाम से, इसके काफ़ी टूल आते हैं इनके, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।